हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर मानव जनन का भाग टू बताने जा रहा हूँ। भाग वन में मैंने आपको 35 तक बता रखा था, अब आपका जो है भाग टू में बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है कि निम्नलिखित में कौन एक पुरुष में पाया जाता है। तो काउपर ग्रंथि जो है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, काउपर ग्रंथि यह जो है आपको पुरुष में पाया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, काउपर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेडीज कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है। तो लेडीज कोशिकाएं जो है वो वृषणों में पाई जाती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वृषण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो आपका प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो है वृषण, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक क्या कहलाता है। तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक जो है वो आपको अंडाणु कहलाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्धन क्या कहलाते हैं। तो इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्धन जो है वह फिम्बरी कहलाती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फिम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में रजोनी वृत्ति की उम्र कितनी होती है। तो रजोनी वृत्ति की जो उम्र होती है वो आपको 50 वर्ष तक होती है, मतलब कि ये जो 12 से 13 वर्ष से स्टार्ट होती है और लगभग 50 वर्षों तक होती है। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है। तो गर्भाशय के भीतरी स्तर को कहते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव प्लेसेंटा होती है। तो मानव प्लेसेंटा जो होती है वो आपको हीमोकोरियल होती है, हीमोकोरियल, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हीमोकोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। तो अंडोत्सर्जन की क्रिया जो है वो LH हार्मोन के प्रभाव से होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, LH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा के द्वारा इनमें से कौन सा होता है। तो भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, प्लेसेंटा के द्वारा जो है वो भ्रूण जो है मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। तो पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है डी, जनन स्तरों के द्वारा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जनन स्तरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है। तो स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस जो है वो पोषण में सहायता करती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। तो ग्रेफियन पुटिका जो है वो स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है, ग्रेफियन पुटिका जो है वो स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है। तो गैस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गति होती है, कोशिकीय गति होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा सी, कोशिकीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया जो संपन्न होती है वो फ्लेपियन नली में होती है, फ्लोपियन नली में होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी, फ्लोपियन नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय किसमें। तो भ्रूणीय मीसोडर्म से जो है जनन अंग विकसित होते हैं, भ्रूणीय जनन अंग जो विकसित होते हैं वो किससे होते हैं। तो मीसोडर्म से जो है वो विकसित होते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मीसोडर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है। तो भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिका जो है वो कहलाती है स्टेम सेल, स्टेम सेल या स्टेम कोशिका भी कहलाती है। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्टेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो पाए जाते हैं वो शुक्राणुओं की सतह पर पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है वो शुक्राणुओं की सतह पर पाए जाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस बनता है, तो नेत्र लेंस जो है आपको बनता है एक्टोडर्म से, नेत्र लेंस जो है वो आपको बनता है एक्टोडर्म से, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एक्टोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन है, तो पुरुष की इनमें से अतिरिक्त जनन ग्रंथि जो है वो काउपर ग्रंथि भी है, शुक्राशय भी है और प्रोस्टेट ग्रंथि भी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी, क्योंकि काउपर ग्रंथि, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि ये सभी जो है वो पुरुष के जनन अंग में से है, तो इनमें से सभी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक क्या कहलाता है, तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉपर्स ल्यूटियम का विकास होता है, तो कॉपर्स ल्यूटियम का विकास जो है वो ग्रेफियन फॉलिकल से होता है, ग्रेफियन फॉलिकल से होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ग्रेफियन फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के द्रव्यमान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है, तो विकास के दौरान जो है स्पर्मेटोजोआ जो है वो सर्टोली कोशिका द्वारा जो है पोषण प्राप्त करता है, सर्टोली कोशिका द्वारा पोषण प्राप्त करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए सर्टोली कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो उपस्थित होती है वो मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी मूत्र मार्ग के चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, तो भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था जो है वो मोरूला कहलाती है, मोरूला कहलाती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए मोरूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो ध्यान रखिएगा जब युग्मक कहेगा तो युग्मक का अर्थ होता है जोड़ा, तो जोड़ा में जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, 23 जोड़ा मतलब 46। अगर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यदि युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो वो जोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 जोड़ा, लेकिन अगर सिर्फ आपसे पूछता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 लिखिएगा। ध्यान रखिएगा कि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा और आपको सिर्फ गुणसूत्र की संख्या जो होगा वो होगा 46, तो इसलिए आपका यहाँ पे युग्मक में पूछ रहा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है, तो स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण जो होता है वो एस्ट्रोजन द्वारा होता है, एस्ट्रोजन द्वारा होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी एस्ट्रोजन द्वारा, राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका सी एस्ट्रोजन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पर पाए जाते हैं, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो शुक्राणु जनन के लिए, मतलब कि स्तनधारियों में जो है वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पर पाए जाते हैं, तो कौन सा जो है वो पाया जाता है, तो शुक्राणु जनन के लिए जो है वो पाया जाता है वृषण उदर गुहा के बाहर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वृषण शुक्राणु जनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक चक्र के दौरान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है, तो मासिक चक्र के दौरान जो है 12वें से 14वें दिन अंडोत्सर्जन होता है, मासिक चक्र के दौरान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत लिखा गया है, ध्यान रखिएगा कि मासिक चक्र के दौरान जो है अंडोत्सर्जन जो होता है वो 28 दिन के बाद होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 28 दिन, ध्यान रखिएगा कि 28 दिन होगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत लिखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि मासिक चक्र के दौरान जो है किस दिन अंडोत्सर्जन होता है, तो 28वें दिन के बाद जो है अंडोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्जन के बाद स्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो
तो अंडोत्सर्जन के बाद अस्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं, उसे जोना पेलुसीडा कहते हैं। जोना पेलुसीडा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जोना पेलुसीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन कब प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन जो है वो जब अंडा फिलोपियन नली में होता है तब जो है शुरू होता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जब अंडा जो है फिलोपियन नली में होता है तब जो है अंडाणु में विभाजन शुरू होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। तो जनन स्तरों के द्वारा जो है पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जनन स्तरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यौवना आरंभ के समय जो है वो प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है, रजोदर्शन। आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रजोदर्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यौवना आरंभ के प्रथम समय में जो आवर्त चक्र होता है उसको हम रजोदर्शन कहते हैं, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है। तो मासिक धर्म से जो है आरंभ जब होता है तब आपका जो हार्मोन जो होता है कि उसका जो क्रम है, पहले FSH होता है, फिर एस्ट्रोजन होता है और फिर आपका जो है प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये तीन हार्मोन जो है मासिक धर्म में जो है निकलते हैं। तो पहला जो है वो FSH है, दूसरा जो है वो एस्ट्रोजन है और तीसरा जो है प्रोजेस्टेरोन है। ये तीन जो है हार्मोन वो स्रावित होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है मानव जनन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।